आज होगा दोस्तों डाटा केबल में कंपटीशन। क्या क्या क्या? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज है हमारे पास ईआरडी का एक डाटा केबल और एक है बोट का डाटा केबल। नहीं, मैं नहीं मानता। तो दोस्तों आज हम करेंगे इनका कंपटीशन, क्योंकि जो ईआरडी का डाटा केबल है वो केवल 100 रुपए का, और जो ये बोट का डाटा केबल है ये 400 रुपए का लगभग हमको यहाँ पर मिल जाता है। बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी जल्दी वीडियो रख के बताओ। ठीक है, खुल जा सिम सिम। उमर भाई देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक एक हमारे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। ये हमारे है, तो ये इसका बोर्ड का जो बॉक्स है ये डाटा केबल का, ये मिल जाता है। और ये 2-in-1 मतलब इसमें टाइप सी और टाइप बी दोनों टाइप के जो आगे पिने हैं वो मिल जाती है। और जो ईआरडी का है इसमें केवल एक पिन मिल जाती है। और ये ईआरडी का लगभग 100 रुपये का डाटा केबल पड़ता है। दोनों डाटा केबल काफ़ी मतलब फेमस है। तो चलिए दोस्तों आज हम करते हैं इनका कंपटीशन। तो दोस्तों हम ईआरडी को निकाल लेते हैं। तो ईआरडी के साथ जो डाटा केबल मिल जाता है टाइप बी का डाटा केबल है, और 1 मीटर लंबी वायर मिल जाती है। तो वाइट कलर का आता है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 मीटर की इसकी वायर है, पर ये हमारा फाइनली रहा। अब ये दूसरा डाटा केबल हमारा ये बोट का रहा, और इसके साथ ये भी मिल जाता है हमारे, इसके साथ वारंटी कार्ड। और फाइनली ये रहा हमारा डाटा केबल। दोस्तों डाटा केबल की आप जो वायर देख सकते हैं वो 1 मीटर से ज़्यादा काफ़ी लंबी है, लगभग 1.5 मीटर की इसकी वायर मिल जाती है। तो ईआरडी कंपैरिजन में मतलब ये 1.5 मीटर लंबा है, इसलिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम करते हैं इनको। ये देख सकते हैं आप 2-in-1 है, और इसको इससे मतलब अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये टाइप सी मतलब कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम ईआरडी का चेक कर लेते हैं दोस्तों डाटा केबल। तो हम जल्दी से इसको सप्लाई देते हैं इसमें। ये मेरे पास एक पावर बैंक है, तो इस पावर बैंक में लगाकर हम इसको सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो चार्जिंग होने लगा, तो मैं टाइम के लिए वो ये घड़ी रख देता हूँ। तो अभी इसमें 9:10 पर हम इसको चेक करेंगे, मतलब अभी 8:09 हो रहे हैं, तो इसमें 8:10 से इसको स्टार्ट करेंगे। और फिर परसेंटेज बैटरी देखते हैं कि ये कितनी परसेंट, जो 5 मिनट में ये कितनी परसेंट भरता है। दोस्तों अभी ये 23% है, पर अभी 10 मिनट हुई नहीं है। तो दोस्तों 24% हो गया है और 10 मिनट भी हो गई है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, और 5 मिनट में देखते हैं कि जो ये ईआरडी का हमारा डाटा केबल है ये इसको कितना परसेंट भरता है। तो चलिए दोस्तों मैं 5 मिनट के लिए इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट में लगभग 3% से 3% 3.5% ये फ़ोन चार्ज हुआ है। अब हम इसी प्रकार से बोट के चार्जिंग को भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट भरेगा 5 मिनट में। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, और इसको भी मैं जल्दी से अपने जो सप्लाई देता हूँ उसमें पावर बैंक से कनेक्ट कर देते हैं इसको दोस्तों। तो ये लगभग कनेक्ट हो चुका है, और चले दोस्तों अभी 15 मिनट हुई है, तो ये 28% है। अब देखते हैं दोस्तों, 15.5 सेकंड हो गई लगभग। तो लगभग दोस्तों 20.5 मिनट में ये भी लगभग कम से कम
ये 28% था और ये 28 से 30% ही हुआ है, मतलब 27 से 3% हुआ है। तो मतलब जो ईआरडी का हमारा डाटा केबल है वो इस कंपटीशन में मतलब जीतता है लगभग। तो मैं ज़रूर इसको ईआरडी वाले को ही परचेस करने के लिए कहूँगा। बस इसमें एक जो टाइप सी का इसमें डाटा केबल मिल जाता है, ये कनेक्ट ऐसे होकर टाइप सी का भी बन सकता है और इसकी जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी पड़ जाती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद हो गया दोस्तों। वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे किसी उसको भी परचेस कर सकते हैं, वो देखिए ये टाइप सी के लिए भी काम करता है। तो बस दोस्तों अगर इसकी वायर देख सकते हैं आप, वायर काफ़ी ज़्यादा लंबी मिल जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम टाइप बी वाले से भी कनेक्ट कर सकते हैं और टाइप सी वाले से भी इसको हम दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये टाइप सी का बन गया, देखिए दोस्तों दोनों मोड मिल जाते हैं, वैसे बहुत इसकी लंबी वायर मिल जाती है। तो आप दोनों में से ईआरडी का भी परचेस कर सकते हैं और बोट का भी परचेस कर सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे डाटा केबल हैं। स्पीड की बात करें तो दोनों की लगभग बराबर ही है, लेकिन एक 400 रुपये का है और एक 100 रुपये का है।